ज्यादातर ज्योतिष पॉपुलैरिटी पाने के लिए सिंपल तरीका करते हैं, किसी राजनीतिक दल के कोई लीडर को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि भाई ये इलेक्शन जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है, या फिर कोई महामारी आ गई तो वो उसको ज्योतिष से जोड़ के बोलते हैं, देश की कोई समस्या के ज्योतिष से जोड़ के बोल देते हैं। ये होता है शॉर्टकट तरीका बड़ा आदमी बनने का, पॉपुलैरिटी कमाने का। हाँ, लेकिन चारबाग जी, मैं यहाँ एक बात आपको ध्यान देना चाहूँगा कि ज्योतिषी कहते हैं कि हम अपने ज्योतिष शास्त्र के द्वारा भविष्यवाणी कर सकते हैं। अच्छी बात है, मान लेते हैं, लेकिन हम माने कैसे? ये जो कोरोना पेंडिक आया, कोरोना महामारी हुआ, सरकार को कोरोना संक्रमण से रोकने के लिए, लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन बुलाना पड़ा, वैक्सीन लोगों को दी गई, तो ये ज्योतिषी कहाँ थे उस वक्त? कहाँ थे कि भाई कोरोना आने वाला है, कोरोना महामारी आने वाला, आप लोग थोड़ा बातचीत कर रही है, सरकार को क्यों नहीं पहले से बताया? तो सरकार पहले से तैयार तो कर रखती। एक भी गली मोहल्ले से लेके शहर तक राष्ट्र एक भी एक 420 ज्योतिषी नहीं मिला जो आखिर सरकार को बता दे कि अगले साल एक महामारी कोरोना आने वाला है, आप जनता को बचाने का उपाय निकालिए। एक भी ज्योतिषी मिला? नहीं मिला। अगर हमारे आसपास भी कोई ज्योतिष मंडराते हैं, दिख जाए, तो मैं यही सवाल पूछता हूं कि आप उस वक्त कहाँ थे? आपके ज्योतिष ज्ञान कहाँ था? आप बड़ी बड़ी बातें करते, भविष्यवाणी की बातें करते हैं, तो कोरोना आया तो कब कहाँ बैठे थे? छिपकर कहीं कोई गैरकानूनी काम में तो नहीं लगे थे? तो चलिए एक गैरकानूनी काम का एक उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। महिला से गृह शांति, ये लोग बहुत कुछ करवाते हैं, गृह शांति कराना, गृह कलश दूर करना, जग आदि, और इनके नाम ज्योतिषों का काम है सिर्फ ठगी करना। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे फोटो दिखाई दे रहे हैं जो आरोप में महिला से गृह शांति मतलब के नाम पे ठग। अंतरराष्ट्रीय में कितने डॉलर लूटे होंगे ये भी देख लीजिए, कितने डॉलर, कितने यूरो, कितने पाउंड लूटे होंगे इन लोगों ने, ये भी देख लीजिए। फोटो और स्पष्ट करके आपको दिखाएं ताकि हो सके आपके घर में घुसे हों कभी तो आप पहचान लीजिए। देखिए यही बगल में शायद हरा जैकेट पहन के खड़े हैं अंतरराष्ट्रीय, और पीछे भी कुछ बंदे हैं जो ठगते हैं। मतलब ज्योतिषी इस कर ठगते हैं लोगों को, हम शांति करवा देंगे, यज्ञ करवा देंगे, घर में जो भूत प्रेत है, बाधा है, सब भगवा देंगे। मतलब इतनी क्षमतावान होते हैं, और आखिर में ठगी के शिकार में चले जाते हैं पुलिस के हाथों। तो देखिए उनके पास कुछ बरामद भी हुआ है, रुपए टुपए सब बरामद हुआ है। तो और ये चलिए भी खबर को देखिए, सुनना ये चाहते लोग हैं, जो पढ़ के ज्योतिष के सुना नाम देते पे हैं। अंतरराष्ट्रीय खबर है गोंडा से, धंधा कर रहे खबर हैं। उत्तर। इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि ऐसे जो लोग अंतरराष्ट्रीय लोग में भी धंधा करते हैं ना ज्योतिष का, ऐसे लोगों से और ज्यादा सावधान होना चाहिए, कहीं ये कोई इलीगल स्मगलिंग का तो काम नहीं कर रहा है, किसी चीज का स्मगलिंग वगैरह तो काम नहीं कर रहे है? ये भी देखना जरूरी है। और यहाँ पे तो पूरे जो देश है दुनिया भर के, उनको अलर्ट होना चाहिए ऐसे चीजों पर, रेड अलर्ट। बात सही है। तो चलिए ये जो महिला से गृह शांति के नाम पर ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय ज्योतिषी गिरफ्तार हुए हैं, एक्चुअली क्या है मामला, हम आपको थोड़ा विस्तारित रूप से बताते हैं खबर के। गोंडा, खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां पर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ज्योतिष केंद्र खोलकर लोगों से ठगी करने के करने आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी के पास से 7,40,000 रुपए नकद, सोने के जेवरात, विभिन्न नाम पते के आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र व घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने खुलासा करते हुए बताया कि थाना कोतवाली नगर अंतर्गत सुभाष नगर
मोहल्ले में महिला से ज्योतिष केंद्र द्वारा ग्रह शांति के नाम पर ठगी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद एसओजी व कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के सर्कुलर रोड पर ज्योतिष केंद्र खोलकर लोगों से ठगी करने वाले ज्योतिषी करने वाले आरोपी पंडित महेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर उनके पास से 5,90,000 रुपये नगद, 1 सोने का ब्रेसलेट, 2 सोने की अंगूठी कीमत करीब 1,50,000 रुपये, विभिन्न नाम पते के आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र व घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ के दौरान बताया कि वह पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर ज्योतिषाचार्य का पोस्टर लगाकर लोगों को ज्योतिष के नाम पर जाल में फंसाकर ठगी का काम किया करता है। अभियुक्त द्वारा ठगे गए अन्य लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त की जा रही है। पुलिस अधीक्षक गोंडा ने पुलिस टीम को उत्साहवर्धक हेतु 50,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो यही जो है ज्योतिषी गृह शांति के नाम पर ठगी करते हैं और पकड़े भी जाते हैं। तो चारवाक जी, ये जो ज्योतिषी होते हैं क्या क्या नहीं करते हैं? कभी लोग ठगने के लिए विज्ञापन देते हैं, ज्योतिष केंद्र खोलते हैं, चेंबर खोलते हैं, दुकान खोल के बैठते हैं, और जहां ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करने वाले तंत्र मंत्र जादू टोना पर विश्वास करने वाले लोग ज्योतिष तांत्रिक के यहाँ पहुंच जाते हैं और सीधे तौर पर ठगी का शिकार बन जाते हैं। तो एक उदाहरण था कि एक ज्योतिषी ज्योतिष का चेंबर खोल के बैठे हुए हैं, लोगों को ठग रहे हैं, लेकिन अंत में पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके इलाके में कोई ज्योतिषी, कोई दुकान, कोई ज्योतिष केंद्र खोल के बैठा हुआ है तो थोड़ा सजग रहिए। अगर आप उस ज्योतिष की दुकान पर जाएंगे तो ठगी का शिकार तो बनेंगे ही बनेंगे। जो जितना बड़ा ज्योतिषी वो उतना ही बड़ा ठग, जो जितना बड़ा तांत्रिक वो उतना बड़ा ही पाखंडी। इन पाखंडी ठग चिटिबाज ज्योतिषों का तांत्रिकों का एकमात्र लक्ष्य है जो लोग अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, अनपढ़ है, अज्ञानी है, मूर्ख है, या पढ़ लिख कर भी सही तरह से ज्ञानी नहीं बन पाए हैं, उन्हें किसी तरह जाल में फंसा कर ठगना, उन्हें ठग कर अपना माल कमाना। यानी ज्योतिषी जहाँ भी विज्ञापन देते हैं या कहीं पर चेंबर खोल के या केंद्र खोल के बैठे हैं, तो आप मान लीजिए उस चेंबर के पीछे एक ठग कोई तांत्रिक बैठा हुआ है जो मौका देखते ही लोगों को अपने जाल में फंसाएंगे, मौका देखते ही लोगों की जेब काटेंगे, और ज्यादा हुआ यदि आप गलती से उस ज्योतिष या तांत्रिक को अपना घर बुलाएंगे तो आपकी माँ, बहन, बेटी, बहू यानी घर के महिला सदस्यों पर बुरी नजर डालेंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ऐसे पाखंडी चिटिंगबाज 420 ज्योतिषियों से सावधान रहिए, सावधान। अगर आपके नजर में कहीं भी कोई ज्योतिष का विज्ञापन मिल जाए, तांत्रिक का विज्ञापन मिल जाए, तो ऐसे ठगीपूर्ण विज्ञापन से सावधान रहिए। अगर कोई बताता है कि अमुक ज्योतिषी बहुत पहुंचा हुआ है, अमुक तांत्रिक बहुत पहुंचा हुआ है, तो ऐसे गोलगप्पे बातें सुनाने वाले लोगों से सावधान रहिए। अगर आप किसी को बातों में आकर ज्योतिष या तांत्रिक के पास चले जाते हैं तो मान लीजिए आप ठगे जाएंगे, जरूर ठगे जाएंगे। इसलिए अभी भी समय है, खुद को संभाल लीजिए, अभी भी समय है, सचेत हो जाइए, अभी भी समय है इन पाखंडी बाबाजी तांत्रिक ज्योतिषियों की पोल खोलने की।